हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी को बहुत ही स्वागत है। आज मैं काले चने से बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सबको पसंद आएगा, जो खाएगा आपका तारीफ करेगा। इसके लिए मैं रात को ही 250 ग्राम चना भिगो दी थी, फिर सुबह इसको 3 से 4 पानी वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरा मिर्चा, थोड़ा सा पानी, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना करके इसको हम एक बाउल में निकालेंगे और स्मूथ इसको हम फ्लफी फेंट लेंगे, ताकि हमारा जो बेसन का जो सब्जी बनेगा, चने से जो बेसन की सब्जी, वो मुँह में जाते ही घुल जाएगा। जो भी खाएगा आपका तारीफ करेगा, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग विश्वास करें, एक बार ज़रूर इसको वो करें, बनाएं। 3 मीडियम साइज़ का प्याज इसको अच्छे से हम कट कर लिए हैं, और 3 मीडियम साइज़ का टमाटर है। आइए मसाला एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब डाल के एक घोल हम बना लेंगे, ताकि हमारा ग्रेवी बहुत अच्छे से बने। सबको डाल के इसमें हम 1/2 गिलास से थोड़ा कम पानी डाल रही हूँ। घोल बनाने से एक फायदा होता है, ताकि मसाला फूल जाता है तो ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है। फिर हम धनिया को बारीक कट कर लेंगे, ऐसे ही पहले से भी कट करके रख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट में लिखें कि रेसिपी कैसी बनी है, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें प्लीज। 4 चम्मच सरसों तेल गरम हो गया है, तड़का में गरम बड़ा इलायची है और जीरा है, लाल मिर्च है और तेज़पत्ता है, दालचीनी है। फिर प्याज को हम ब्राउन भून लेंगे, उसके बाद ये मसाला जो पेस्ट बनाए हैं, घोले हैं, इसको हम डाल लेंगे। डाल के इसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद फिर टमाटर डालेंगे। अब पहले से नमक तो पड़ा ही है, फिर ये देखिए मसाला आधा पक गया है। फिर ये जालीदार जो थाली है, इसमें हम अच्छे से तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे, और इसको छोटा छोटा जिस साइज़ का बनाना चाहें इसको हम पकौड़े टाइप का रख देंगे। रख के इसको हम अच्छे से ढक देंगे, 6 से 7 मिनट ये पकेगा, तब जाके आपका ये खूब बढ़िया बड़ी बन के तैयार हो जाएगा, जिसको हम ग्रेवी में डाल देंगे। ऑयल भी कम पड़ेगा और सब्जी भी टेस्टी होगी, सबको पसंद आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग। ऐसे ही करके एक एक करके सब चीज़ जितना भी पेस्ट है इसमें हम एडजस्ट कर दे रही हूँ। इसको एक ढक्कन से ढक के ये देखिए, इसको ये मसाला है, मसाला मेरा पक चुका है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी, तो पानी मैं 1 गिलास डाल रही हूँ। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा ग्रेवी, तो हमको थोड़ा ग्रेवी अच्छा से चाहिए, ताकि हम लोग चावल में खाएंगे। तो 1 बड़ा गिलास पानी हम डाले हैं। इसको फिर हम उबलने देंगे, जब ये ढक देंगे उबल जाएगा, तब जाके इसमें हम बड़ी को डाल देंगे। अब ये देखिए खोलने लगा है। 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि ग्रेवी गाढ़ा हो जाए और पकौड़े उसी में पक के एकदम एक दूसरे में घुल जाए, ऐसे ही। तो ये ढकेंगे और उसके बाद हम 3 से 4 मिनट पकने देंगे। तो ये देखिए सुपर टेस्टी काला चने की सब्जी बनके तैयार है, जो भी खाएगा तारीफ करेगा। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, उतना ही एकदम लग रहा है कि चिकन की खुशबू आ रही है। जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो वेज खाने वाले हैं उनके लिए काला चना की सब्जी है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, सब चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैं निकाल के भी दिखा रही हूँ, अभी गर्म है, गाढ़ा होगा ना, थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इसको हम एक बर्तन में निकाल लिए और धनिया पत्ता से हम सर्व कर देंगे। तो देखिए, थैंक यू सो मच।